अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। हसन ने जो है एक नई कार खरीदी है, तो आज हमने कहा चलते हैं उसके नए कार का थोड़ा बहुत रिव्यू भी करते हैं और फिर हैंग आउट भी करते हैं। चलें फिर। हसन, तुम्हें अपनी गाड़ी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और उसका ट्रीट तो बनता है। हाँ बनता है। तो आज रात जी हाँ ठीक है। चलो अपनी गाड़ी के अंदर भी हमें ज़रा दिखाओ क्या है, कैसा है। चलते हैं इसके गाड़ी के अंदर। मैक्स स्पोर्टी इसका जो पूरा नाम है। तो भाई अंदर चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं और क्या क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में, इस कार में। अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हें अपने इस माज़्डा में और जो इससे पहले तुम्हारे पास ह्युंडई एलंट्रा था, इसके ड्राइव में तुम्हें क्या फर्क महसूस हो रहा है, कि ड्राइव में कौन सा बेहतर है? ड्राइव में ये बेहतर है, इसमें और रोड ग्रिप ज्यादा है। इसमें जितने स्पीड पे चलाओगे उतनी ही रोड ग्रिप इसकी मजबूत हो जाती है। अच्छा। सेकेंड इज फंक्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, GPS वगैरह है, बटन स्टार्ट है, सेफ्टीनेस बहुत है इसमें। अच्छा। आप पैसे बताना पसंद करोगे कितने के लिए? पैसे उस गाड़ी के डबल है। अच्छा, उस गाड़ी के डबल है इसके पैसे। अच्छा, लेकिन बताना नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब ऑलमोस्ट दो Hyundai Elantra equals to one Mazda 3 Max Sport, yeah? अच्छा, इसमें मतलब जो आपका ये नेविगेशन जो ये LCD दिया हुआ है उसको आप ऑपरेट करते हैं यहाँ से सारी चीजें बटन्स वाले। ठीक है, इसमें आप दिया हुआ है होम का बटन है, म्यूजिक है, सेट नेविगेशन है, और ये वॉल्यूम का है, ये बैग है, दूसरे फीचर ऑटोमेटिक में ये। अच्छा, ये इसका स्पोर्ट मोड का बटन है। स्पोर्ट मोड। अच्छा, अच्छा जो इसका जो LCD है BMW और मर्सिडीज की तरह अलग से मियां तक कोई जैसे LCD TV रखते हैं इस टाइप का ही है। अच्छा, मतलब इसमें वो ऑप्शन जो कहलाता है आई स्टॉप मिसाल के तौर पे आप किसी भी सिग्नल पे आप रुक जाए रेड लाइट पे, तो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है, ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ होता है। जब जैसे ही आप दोबारा स्पीड पे आप दोबारा हल्का सा एक्सेलरेट आपका इंजन दोबारा वो क्या वो फ्यूल को बचाता है। अच्छा, ये वही सेम चीज है ये जो BMW और मर्सिडीज वगैरह में है, ये अब मज़्दा ने अपने गाड़ियों में तो इसीलिए मेरे ख्याल में मज़्दा जो है ये 2-3 सालों से कार ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिल भी रहा है, टोयोटा वगैरह, क्योंकि टोयोटा को इसने होंडा क्लियरली बीट किया हुआ है इसने अभी। होंडा वगैरह सारे वो मतलब हर गाड़ी की अपनी एक जगह है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में जिसकी बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू है जिस कार की वो है ये मज़्दा की गाड़ियाँ हैं। बहुत अच्छी गाड़ियाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं इस दफ़ा। तो अभी इसने तो ले लिया है, लेकिन अभी मैं भी कुछ देख रहा हूँ कि कोई अच्छी सी गाड़ी मुझे मिल जाए मेरे रेंज के अंदर। रेंज कितना है ये तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि देख, तो मैं यही मज़्दा 3 रहा था तो हसन ने मुझसे पहले ले ली, और लेकिन अभी भी अगर मेरे रेंज के अंदर मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाती है मज़्दा 3 की तो ठीक, नहीं तो टोयोटा और होंडा का ऑप्शन है मेरे पास।
तो शॉपिंग करनी है यार, ले तो आया है पर खरीद कुछ नहीं रहा। बताओ कि जल्दी से कुछ खरीद। अच्छा, होल स्क्वाड जो है ना इस वक्त खाना खाने जा रहे हैं, ट्रीट फोड़ने जा रहे हैं हम लोग, ट्रीट फोड़ने जा रहे हैं हसन की नई गाड़ी की खुशी में। हाँ भाई, किधर ले जा रहे हो? देखते हैं क्या जाते हैं खाने के लिए। वो पूछेंगे। चलो हम छोटी गाड़ी में बैठते हैं। ये एक एक ही है एक हो। भाई खाना मजा आया? मुझे भी बहुत मज़ा आया खाना। अभी बहुत ज़्यादा खा लिया है तो और हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की, तो खाने के बाद अभी घर के जाने ब्रवा दवा। आज के लिए काफ़ी है इतना वीडियो, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में या स्नीकर रिव्यू में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।